गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी को भी कोई जरूरत हुई तो नरोत्तम मिश्रा के दरवाजे आधी रात को भी जनता के लिए खुले रहेंगे। आम जनता की परेशानी अब नरोत्तम मिश्रा की और इमरती देवी की परेशानी होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इमरती देवी के पक्ष में सभा करने डबरा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने इमरती देवी और भाजपा को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब से आम जनता की परेशानी उनकी नहीं, नरोत्तम मिश्रा और इमरती देवी की होगी। कभी भी कोई परेशानी हो, डबरा की जनता के लिए उनके दरवाजे आधी रात को भी खुले रहेंगे। उन्होंने कहा, हम जनता के लिए जिएंगे और मरना भी पड़ा तो आपके लिए ही मरेंगे। आपको कभी भी कोई दिक्कत आ जाए, आधी रात को नरोत्तम का दरवाजा खटखटाना, आधी रात को बीच के बाद चले लड़ता हुआ मिलना, आपकी आने वाली कोई भी दिक्कत वो झाड़ोली की नहीं होगी, वो नरोत्तम मिश्रा की होगी, इमरती देवी की होगी। आपको आने वाली कोई भी परेशानी वो आपके लिए नहीं होगी, वो इमरती और नरोत्तम की होगी। आज के बाद हम दोनों जिएंगे तो आपके लिए, और कभी मरना भी पड़ा तो मरेंगे आपके लिए। बोले, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया। विश्वास था, बोला है तो करेंगे। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा। पर हुआ कुछ नहीं, बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया। पैसा जमा करो, कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा, नहीं भरा तो कुड़की होगी। बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में। इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। गरीबी किसी माँ के स्वास्थ्य पर बोझ ना बने, इसलिए सरकार प्रसूति से पहले माँ को पौष्टिक भोजन के लिए 4,000 रुपए देती थी। बच्चे के जन्म के बाद माँ को कमाने की मजबूरी ना रहे, माँ बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए मिलते थे 12,000, ताकि माँ को पूरा आराम मिल सके और बच्चे को पूरा पोषण। फिर 15 महीने इन लोगों ने सब बंद कर दिया, जच्चा और बच्चा दोनों को भूल गए, माँ के तो पेट पर ही लात मार दी। माँ से चापे के लड्डू ही छीन लिए, ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। जब कोई सहारा देने का ढोंग करे और वक्त आने पर अंगूठा दिखा दे, आस टूट सी जाती है, जीवन रुक सा जाता है। बेरोजगारी भत्ते के झांसे ने तो बच्चों को काम ढूंढने लायक भी नहीं छोड़ा। वो कैसी सोच थी जिसने बेरोजगारों की उम्मीदें तक छीन ली। बेरोजगार को भत्ते का लालच देकर छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें।
भाजपा को वोट दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।